पाकिस्तान तालिबान को फॉरेन पॉलिसी सिखाने वाला था, और आपको बता दें तालिबान ने सिखा दिया है पाकिस्तान को कि देखो अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत रखते हैं। तालिबान के राज में अफगानी करेंसी ने धमाल कर दिया है और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला करेंसी बन गया है। सुनकर आपको एक बार को आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। जानेंगे आखिर तालिबान ने ऐसा क्या कर दिया है। पाकिस्तान पे लगा बैन, अमेरिकी डॉलर पर कार्रवाई क्या रंग ला रही है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से एवरग्रांड के चेयरमैन हुई को पुलिस कंट्रोल में ले लिया गया। चाइना में क्या चल रहा है, सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके अर्थशास्त्री जिन्होंने एक बयान दिया था, उनके भी दिए गए बयानों को गायब किया जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तालिबान जब सत्ता पे आया था, तब समझ में नहीं आया था कि ये आखिरकार सत्ता चलाएंगे कैसे, क्योंकि इन्हें सत्ता चलाने का कोई भी अनुभव नहीं है। तो उम्मीद यही की जा रही थी कि कुछ दिनों बाद बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन जो रिपोर्ट आई है ना, उस रिपोर्ट ने एकदम से चौंका दिया है। और ये दुनिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी बन गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, बिजनेस इंसाइडर की ये रिपोर्ट है। मन में ये ख्याल आएगा कि अचानक से ये चमत्कार हो कैसे गया, तो आपको बता दें इस चमत्कार के पीछे कुछ रणनीति है। अफगानी मुद्रा इस बार 14% की दर से बढ़ी है और ग्लोबल लिस्ट में ना ये तीसरे नंबर पर आ गई है। कोलंबिया श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान आ गया है। और सबसे अजीब बात यह है कि बगल में जो पाकिस्तान है वो 22% के दर से नीचे जा रहा है, तो वही 14% की दर से अफगानिस्तान की करेंसी ऊपर जा रही है। एक बात तो साफ है कि अफगानिस्तान के अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी की गई जिसके बाद इसका असर दिखना शुरू हो गया। तालिबान ने सबसे पहले दो चीजों पर कंट्रोल किया, एक कहा कि डॉलर में व्यापार नहीं होगा और दूसरा कहा कि पाकिस्तानी रुपये में भी व्यापार नहीं होगा, अगर व्यापार करना है तो हमारे रुपये में करो। और ये सारी चीजें असर दिखा रही हैं। सबसे अजीब बात ये है कि आपको बता दें सिर्फ इतना ही नहीं है, अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक ने एक नियम बना दिया है और इस नियम में एक लिमिट दी है। लिमिट क्या दी है कि एक महीने में आप $40,000 ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, और ये बिजनेस के लिए है। तो वहीं एक आदमी अपने लिए इंडिविजुअल अगर निकालना चाहता है तो उसे $600 निकालने का ही हक है। अब अजीब सी बात है, ये बेहद सरप्राइज करने वाली बात है जो रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट ने सचमुच में अफगानिस्तान की करेंसी को इस वक्त मजबूत कर दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं चाइना के अंदर। चाइना के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे पहले तो स्क्रीन पर एक आप रिपोर्ट देख सकते हैं, CNN बिजनेस की ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि एवरग्रांड मुश्किलें और बढ़ा रहा है क्योंकि बॉन्ड पेमेंट करने का एक और पॉइंट वो मिस कर गया। कल ही हमने कहा था आपको कि इन्होंने जो मीटिंग बैठाई थी कि हम रीस्ट्रक्चर करेंगे लोन पेमेंट करने का, उन्होंने कह दिया कि जी नहीं, हम इस हालात में ही नहीं हैं और ऐसे में हम कोई भी मीटिंग नहीं करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड 4 बिलियन युआन करीब $547 मिलियन का चुकाने का था, जो इन्होंने मिस कर दिया। एवरग्रांड के ऊपर कुल $328 बिलियन का कर्जा है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक और आर्टिकल आप देख सकते हैं, चाइना के जो अफसर हैं वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी पे यकीन है और उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट वही रखा है, अपने ब्याज दर में
कोई गिरावट नहीं की है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी एक स्पीच में शी जिनपिंग ने हाल ही में कहा था कि हमें अपना ऐतिहासिक धैर्य बनाकर रखना होगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। चाइना के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, यहाँ पर देखने को मिल रहा है पुराने रेट एक साल के लिए 3.45% और वहीं 5 साल के लिए LPR का 4.2% वही रखा गया है। इन्होंने कुछ भी नहीं बदला है, तब जबकि संघाई के शेयर में 0.4% की बुधवार को गिरावट देखने को मिली, तो वहीं हांगकांग के शेयर में 0.7% की गिरावट देखने को मिली। इन सब के बीच क्या कोई ज्ञान नहीं दे रहा है? तो आपको बता दे, चाइना अपने इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं कर रहा है ताकि दुनिया सीधे सीधे ये ना मान ले कि चाइना की इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन चाइना के अंदर के लोग, जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल है, इनके सेंट्रल बैंक के एडवाइजर लियू सीजियन कहते हैं कि चाइना को अब अपने स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करने की जरूरत है अगर वो रिवाइव करना चाहता है अपने इकोनॉमी को, वरना स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। और इसके बाद, इससे कुछ ही दिन पहले एक चाइना के इकोनॉमिस्ट थे, स्क्रीन पर इनको देख रहे हैं आप, इन्होंने कहा था कि चाइना चाहे जो कर ले, कम से कम 10 साल लगेंगे जो प्रॉपर्टी में क्राइसिस आया है चाइना के अंदर और जो रियल इस्टेट सेक्टर ने गड़बड़ किया है उसका। अब इसके बाद इनका जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया से हटाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये बयान दिया, ये बयान हाथों हाथ मीडिया में चला गया और पश्चिमी मीडिया में ये खूब प्रकाशित होने लगा। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई बदल जाएगी, ये कहते हैं, पर स्क्रीन पर आप दूसरा आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि फॉरेन बिजनेस और चाइना का बीच का रिश्ता अब बुरा से बहुत बुरा की तरफ आगे बढ़ चुका है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो चाइना की सरकार बौखलाहट में और भी बड़े निर्णय ले रही है। ये है एवरग्रांड के चेयरमैन हुई, इनको पुलिस कंट्रोल के अंदर ले लिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी में जो सब कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत कहीं न कहीं एवरग्रांड जैसी रियल इस्टेट कंपनियों से हुआ है और इसके तार जाकर जुड़ रहे हैं शैडो बैंक से, शैडो बैंक के तार जुड़ रहे हैं काले नीले पीले पैसों से और उन पैसों के मालिक से। इसलिए खुद ही अपने ही देश के अंदर क्रैक डाउन चला रहे हैं शी जिनपिंग। वैसे इस वक्त चाइना के लिए बहुत बुरा है और याद रखिएगा, आने वाले समय में चाइना के अंदर कुछ न कुछ बहुत बड़ा जरूर होगा। इसके पीछे कारण समझिए, शी जिनपिंग भी सारी चीजों को एक साथ रायते में डाल रहे हैं और ये रायता फैलेगा जरूर। राजनीतिक क्रैकडाउन चल रहा है, अचानक से विदेश मंत्री गायब हो जाते हैं, रक्षा मंत्री गायब हो जाते हैं, आर्थिक चल रहा है और अब कंपनियों के ऊपर भी धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू कर दिया है और ऊपर से दुनिया भर से रिश्ते भी खराब करने शुरू कर दिए हैं। ये सब देखकर यही लग रहा है कि यहाँ ये क्रैकडाउन चाइना को भारी पड़ सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।